अतिथि शिक्षकों ने प्रशासन की बर्बरता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मंडला जिले के अतिथि शिक्षक महासंघ ने 3 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट पहुंचकर भोपाल में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों के ऊपर की गई पुलिस बर्बरता के खिलाफ उचित जांच करके कार्रवाई की मांग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंप कर की है। जिला अध्यक्ष पीडी खेरवार ने बताया कि गुरुवार 3 अक्टूबर को जिले के अतिथि शिक्षक प्रतिनिधि मंडल 3 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती को मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अम्बेडकर पार्क भोपाल पहुंचकर अपनी जायज मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करना चाहा था। प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों से सरकार बातचीत करने को तैयार नहीं हुई। अतिथि शिक्षक लगातार बैठे रहे। रात लगभग 8 बजे भोपाल के अम्बेडकर पार्क क्षेत्र की बिजली बंद करके ड्यूटी में तैनात पुलिस ने अतिथि शिक्षकों को खदेड़ खदेड़ कर पिटाई की, जिससे दर्जनों अतिथि शिक्षक चोटिल हुए और उनको पास के अस्पताल पहुंचाकर उपचार करना पड़ गया। मैम, साथ जानकारी लगी होगी आपको, कल भोपाल में हमारा एक प्रदर्शन था हमारी मांगों को लेकर के। प्रदर्शन दिन भर चला, रात में पुलिस ने अचानक लाइट भूल करके, जहां हमारा प्रदर्शन चल रहा था, बहुत यानी बुरी तरह से खदेड़ खदेड़ के हमको मारा, बल्कि अभी दर्जनों साथी भोपाल के तमाम हॉस्पिटलों में एडमिट हैं। और कुल मिलाकर ये कहिएगा कि स्पष्ट वहाँ पर बैनर टांग दिया पुलिस के द्वारा कि अतिथि शिक्षक बलवाई हैं, इन पर गोली दागी जाएगी। मैडम, ये बहुत बुरा घृणा करके समझ में आया हमको। इसके खिलाफ हम माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदय और माननीय राज्यपाल महोदय जी से एक कार्यवाही चाहते हैं कि जो भी गलत हुआ है हमारे साथ उसकी जाँच की जाए और दोषियों को दंडित किया जाए। इसके लिए ज्ञापन है मैम, और अपेक्षा है कि जहाँ तक हमको पहुँचाना है पहुँचा करके हमारी मदद की जाएगी। उसी तरह फोटो ले मैडम, मैडम आप सबके साथ फोटो जानी चाहिए सबके साथ। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़ें राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।